नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और फिलीपींस के बढ़ती नज़दीकियों की वजह से चीन बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है और आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। इन तमाम बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। भारत हमेशा से जी और जीने दो की नीति में विश्वास करता रहा है। हम सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखते हैं बल्कि दूसरों के हितों का भी सम्मान करते हैं। ऐसे में किसी तीसरे को मिर्ची लगे तो हम क्या कर सकते हैं? भारत ने अब इसकी फिक्र करनी भी छोड़ दी है। तभी तो हम जब फिलीपींस की संप्रभुता की बात आई तो भारत बेधड़क उसके साथ खड़ा हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि फिलीपींस अपने संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाता है वो सराहनीय है। इस पर चीन तिलमिला उठा है। उसने भारत को तीसरा पक्ष बताते हुए कहा कि हमारे विवादों में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। आखिर चीन क्यों चिढ़ गया है जयशंकर के बयान से, उसके बारे में आपको बता दें। दरअसल मामला दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस के बीच बढ़ते तनाव का है। विदेश मंत्री जयशंकर मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में थे। वहां उन्होंने अपने समकक्ष एनरिन मामलों के साथ बैठक की और बाद में फिलीपींस की संप्रभुता को बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन भी किया। इस बैठक से एक दिन पहले फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्यवाही के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए चीनी राजदूत को तलब किया था। चीन दक्षिण सागर में लगभग 90% हिस्सों पर अपना दावा करता है। भारतीय विदेश मंत्री के फिलीपींस का समर्थन किए जाने से चीन इसलिए भी तिलमिला उठा है क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका ने भी फिलीपींस के वैध समुद्री अभियानों के खिलाफ चीन की खतरनाक कार्रवाई की निंदा की थी। जयशंकर ने चीन को याद दिलाई वो बात जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जयशंकर ने नियम आधारित व्यवस्था के सख्त पालन का आह्वान किया और फिलीपींस को उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। उन्होंने समुद्र के संविधान के रूप में UNCLOS संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन 1982 के महत्व को बताते हुए सभी पक्षों से इसका संरक्षण पालन करने की अपील की है। चीन इस पर भी बहुत ज़्यादा चिढ़ गया, जबकि इस बार भारत और फिलीपींस के विदेश मंत्रियों ने जून 2030 में हुई बैठक के बाद दिया बयान नहीं दोहराया है। उस वक्त फिलीपींस के साथ विवाद में चीन के विस्तारवाद दावों को जोरदार खंडन किया था। तब दोनों विदेश मंत्रियों ने चीन से 2016 के कानून के रूप में बाध्यकारी फैसले का पालन करने की अपील की थी। यह वह वक्त था जब भारत ने दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन के खिलाफ फिलीपींस का साथ दिया था। UNCLOS मध्यस्थता न्यायिकरण ने न केवल बीजिंग की 9-डैश लाइन को बल्कि फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में उसकी गतिविधियों को भी वैध बताया था। जयशंकर ने हिंद महासागर क्षेत्र में भी बात की है, उसके बारे में भी उन्होंने अपने बयान में बहुत कुछ कहा है। जयशंकर ने कहा है कि भारत अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विशेष नज़रिए के कारण इस इलाके में हर एक गतिविधि पर गहराई से नज़र रखता है। उन्होंने कहा कि हम आसियान के केंद्रीय महत्व सदस्य देशों के बीच सामंजस्य और एकता के प्रबल समर्थक रहे हैं। हमें पक्का यकीन है कि इस क्षेत्र में प्रति और समुद्री नियम आधारित व्यवस्था के तहत सुनिश्चित होगी। जयशंकर ने अपने फिलीपींस समकक्ष मनालो को लाल सागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती के बारे में भी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि कैसे समुद्र में सभी तरह के खतरों से निपटने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। Not exactly ends, but let's say Philippines is in the middle, we are at one end. It's also a fact that we are two nations who make a very exceptional commitment to global shipping. So every country has an interest in maritime security, in maritime safety. In our case, probably it is more than many other countries normally would have.
Now, as our relationship grows, as I pointed out, you know, it's natural to look at defense and security. But it's also equally important we look at other aspects of cooperation. You know, we are both, I think, members of the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative. We are both members of RECAP, which is based in Singapore. We have ourselves started exercises last year for the first time between India, naval exercises between India and the ASEAN. So there's a lot, I mean, this is an area where actually our cooperation has just begun. And what the maritime dialogue is intended to do is actually to explore what more we could do. A good example is this Coast Guard vessel which has come into port in Manila. It's a pollution control vessel. I believe you've had some serious incidents of oil spills and other pollution challenges. So there's a lot of work to be done here. There's environmental work, there's ecological work, there's security work. And, you know, at the end of the day, every country has the right to uphold and enforce its national sovereignty. And I think that is something that we have also discussed. अब आपको बताते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा चीन भारत और फिलीपींस की दोस्ती की वजह से क्यों चढ़ा हुआ है। चीन को इन्हीं बातों से मिर्ची लग रही है क्योंकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि समुद्र विवाद संबंधित देशों के बीच के मुद्दे हैं और तीसरे पक्ष को किसी भी तरह के हस्तक्षेप ना करने का कोई भी अधिकार नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग ने कहा कि हम संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर तथ्य और सच्चाई पर गौर करें और चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों और हितों एवं दक्षिण चीन सागर की शांतिपूर्ण और स्थित रखने की जो क्षेत्रीय देशों के प्रयास हैं और जो सम्मान किया जा रहा है उनमें दखल ना दे। चीन दक्षिण सागर के अधिकार क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा अपना दावा ठोकता है, वहीं जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई और ताइवान अपने अपने दावे करते आए हैं। और भारत और फिलीपींस की दोस्ती इस समय ज़्यादा अच्छी हो रही है, इसके पीछे भी कई वजह हैं। ध्यान रहे कि पिछले कुछ वर्षों से भारत और फिलीपींस संबंधों में गर्माहट आ रही है दोनों देशों के बीच, खासकर रक्षा क्षेत्र में आपसी जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत ने मनीला को सस्ते दरों पर लोन ऑफर किया है। व्यापार, रक्षा और समुद्र सहयोग के अलावा दोनों देश स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा संबंधी कई सारी चीज़ों पर पारंपरिक सहयोग भी कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।